अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज बनने वाली है बहुत ही मज़े की खाने की चीज़ें और मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि हम लोग आज क्या बना रहे हैं। आजकल हम लोगों का रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है क्योंकि समर वेकेशन चल रही हैं और सब घर में हैं, तो हर वक्त जो है मंचिंग चलती रहती है। यहाँ पे सरमत बना रहा है वाइट पास्ता और देखने में तो बहुत ही यमी लग रहे हैं। अब खा के देखें तो पता चलेगा कि कैसे बने हैं। वैसे मुझे आइडिया है कि ये बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं और वाकई टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे थे। हम लोगों ने आज जो पास्ता यूज़ किए हैं वो हमने फ़र्स्ट टाइम किए हैं, उससे पहले हम दूसरे करते थे और ये मुझे थोड़े हैवी लगे, मतलब खाने के बाद हम बहुत ही ज़्यादा फुल हो गए थे। पास्ता खाने के बाद मैंने थोड़ा किचन साफ़ किया, उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ चिकन स्प्रेड, क्योंकि यहाँ पे मुझे कभी नज़र नहीं आया और अगर नज़र आ भी जाए तो ये पता नहीं होता कि वो चिकन हलाल है या नहीं है, तो बस हम लोग जो है घर में बना लेते हैं। कभी कभी बहुत दिल करता है कि चिकन स्प्रेड खाएं, तो बस फिर बना के रख देती हूँ और जब दिल करे तो ब्रेड को टोस्ट करके चिकन स्प्रेड लगा के हम लोग खा लेते हैं। खाने पीने के बाद और चीज़ें बनाने के बाद जो है बर्तन बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, तो वैसे तो डिशवॉशर है तो सारी प्लेट्स वगैरह छोटी छोटी चीज़ें मैंने डिशवॉशर में रख दी और जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी जैसे डेगची वगैरह हो गई वो मैं धो के रख रही थी और किचन पूरा क्लीन कर दिया मैंने, क्योंकि जब डिनर बनाएंगे तो उसके लिए फिर पहले किचन जो है साफ़ होना चाहिए। जब बच्चे घर में होते हैं तो सारा दिन जो है कामों में गुजर जाता है, हर वक्त बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, जब बच्चे घर में होंगे तो आप लोगों का रूटीन भी जो है बिजी गुजरता होगा। आज हम लोग डिनर में बना रहे हैं रोल पराठे और उसके लिए मैंने आटा रखा था गूंदने के लिए और साथ ही साथ जो है मैंने बच्चों को फ्रूट्स दिए, वो खा रहे थे। दो मेकर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हम लोग आटा उसमें डाल देते हैं और वो खुद ही जो है गूंध रहा होता है और साथ साथ हम लोग दूसरे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं रख रही थी चने पानी में भिगो के और कल इनको जो है बॉयल कर दूँगी, क्योंकि हम लोग चने बहुत ज़्यादा खाते हैं। चनों को पुलाव हो गया या नाश्ते में हम लोग बहुत ज़्यादा पराठों के साथ खाते हैं, तो बस उनको फ्रीज़ करके रख देती हूँ और छोटे छोटे पार्ट्स बना देती हूँ जितने हम लोगों को चाहिए होते हैं, तो निकाल कर बनाना बहुत ही आसान रहता है। यहाँ पर मैं बना रही थी ग्रीन चटनी जो कि हम लोग खाएँगे रोल पराठों के साथ। उसके बाद मैंने बनाई मायो गार्लिक सास और ये भी रोल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और ये जो है पराठों पर लगा के और ऊपर फिलिंग करते हैं। दोनों सॉसेस जो है मैंने बना के रख दी थी और आटा भी गूंद के फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि अभी डिनर में काफ़ी टाइम था और अभी हम लोग के यहाँ शाम हो रही थी तो मैं चाय बना रही थी। सुबह और शाम की हम लोग जब तक चाय ना पिए तो मज़ा नहीं आता, ये डोज हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और कभी कभी हम लोग रात को भी पी लेते हैं। चाय पीने के बाद और कुछ फ्रेश करने के बाद जो है डिनर का टाइम होने वाला था और यहाँ पे मैं चिकन फ्राई कर रही थी जो कि मैंने पहले ही मैरिनेट करके रख दी थी, पर जो है वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। चिकन रोल पराठों के लिए जो मैंने चिकन मैरिनेट की थी वो मैंने योगर्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और टिक्का मसाला में मैरिनेट की थी, तकरीबन 2-3 घंटे मैंने उसको रख दिया था। चिकन को मैंने रख दिया है बनने के लिए और जब तक वो बने तब तक यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी। 7-8 पराठे मैंने बनाने थे तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए पहले बनाना शुरू कर दिए थे। चिकन हो गई है तैयार और यहाँ पे मेरे पास कोयला नहीं था, वरना वो रख देती हूँ तो उसकी बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। और फिर मैंने पराठे शुरू कर दिए, पराठे में बनाती जाती हूँ और सरमत जो है वो उसको रोल्स को असेंबल करता जाता है।
जब भी मैं रोल बनाती हूँ तो थोड़े ज़्यादा बनाती हूँ ताकि हम लोग अगले दिन भी खाएं लंच टाइम पे। हम लोग यहाँ पे जो है दो टाइम का बनाते हैं, एक नाश्ता हो गया और एक रात का खाना हो गया। लंच हम लोग स्किप करते हैं, मतलब बनाना स्किप करते हैं, खाना नहीं, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को तो देना ही पड़ता है लंच। तो हम लोग डिनर थोड़ा ज़्यादा बना देते हैं तो वो हम लोग उनको लंच में देते हैं, और कभी कभी हम लोगों को भी भूख लग जाती है तो हम लोग भी लंच कर लेते हैं। यहाँ पे सरमद रोल्स को असेंबल कर रहा था, मैं पराठे बनाती जा रही थी और सरमद साथ साथ जो है रोल बनाता जा रहा था। ये सरमद की ही ड्यूटी होती है रोल्स को असेंबल करना। अच्छा, इसका भी एक रीज़न है क्योंकि जब मैं बनाती होती हूँ चिकन और पराठे तो उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही होती है कि सरमद से इंतज़ार नहीं होता और उसकी जो है भूख बढ़ती जाती है, इसलिए वो जल्दी से आता है रोल बनाता है ताकि हम लोग जो है एक साथ डिनर करें। चिकन या बीफ रोल पराठे जो हैं पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा फेमस हैं और हम लोगों ने कराची में बहुत ज़्यादा खाए हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही मज़े के बनते हैं। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन ऐसे रोल पराठे हम लोगों को कभी भी नहीं मिले, और कुछ मैंने रेसिपीज़ यूट्यूब से ट्राई की और बहुत ही मज़े के रोल बने तो अब हम ये बनाते रहते हैं। रोल पराठों से मुझे एक सीन याद आ गया, मैं पाकिस्तान गई थी और सरमद यहाँ पे था तो उसने मुझे कहा जब वापस आओ तो रोल पराठे लेकर आना। मैं जब वापस आ रही थी तो मैं कुछ रोल पराठे लेकर आ रही थी और रास्ते में भी नहीं खाए कि बस सरमद के साथ जाके खाऊंगी क्राइस्टचर्च। तो जैसे ही मैं यहाँ एयरपोर्ट पहुँची तो मुझसे उन्होंने पूछा ये क्या है, मैंने कहा इसके अंदर मीट है, तो मुझे नहीं पता था कि मीट न्यूज़ीलैंड में अलाउ नहीं है, तो बस उन्होंने मुझसे लेकर और वहीं पर फेंक दिए। और मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ कि हम लोग पाकिस्तान से यहाँ तक लेकर तो आ गए लेकिन खा नहीं सके। रोल सारे बन गए हैं और अब जो है भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, हम लोग जाके डिनर करते हैं। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।